अब रिक्वेस्ट करूंगा हमें अपने जिला खंड शिक्षा अधिकारी श्री राजेंद्र बंसल जी से कि उनका भी विधिवत रूप से स्वागत करेंगे, यही सभी रहेंगे। वेलकम सॉन्ग के लिए श्रीमती प्रिंसिपल मैम सुमित्रा शर्मा जी, डीओसी गाइड सिया राम जी, डीओसी स्काउट सिया राम जी और डीओसी गाइड मैडम ममता और विभिन्न स्कूलों से आए हुए अध्यापक साथी, इस स्कूल के सभी स्टाफ सदस्य और प्यारे बच्चों, आप सभी को महिला दिवस की एक बार मेरी तरफ से भी सभी को बधाई और शुभकामनाएं। वैसे तो सभी दिवस, सारे ही दिवस महिला दिवस होते हैं, ये तो एक ज्यादा जागरूक करने के लिए, समाज को ज्यादा जागरूक करने के लिए, बच्चों को ज्यादा जागरूक करने के लिए, उनमें जागृति फैलाने के लिए एक दिन फिक्स कर दिया गया है। परंतु सभी दिन जो है हमें यही संदेश देते हैं, और संदेश क्या होता है, महिला दिवस हो और अगर कोई महिला या हमारे जो गर्ल स्टूडेंट है मेहनत ना करें, हार्ड वर्क ना करें और अपना आत्मविश्वास ना बना के रखें, तो उस महिला दिवस का मैं समझता हूं कोई लाभ नहीं है। जीवन में तरक्की के लिए महिला या पुरुष होना ठीक है, समाज में ये अलग अलग बातें हैं, अलग अलग भगवान ने बनाया है, परंतु समाज में तरक्की करने के लिए चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसको जो है हार्ड वर्क करना चाहिए, आत्मविश्वास उसमें होना चाहिए, ठीक है। जिसके अंदर जो व्यक्ति जो भी है, गर्ल स्टूडेंट है या बॉय स्टूडेंट है, जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा, ठीक है ना। ऐसा तो बोर्ड में कोई सिस्टम नहीं है, बोर्ड में ऐसा कोई सिस्टम है भाई गर्ल्स टॉप नहीं करेंगी, बल्कि हम देखते हैं कि गर्ल्स ज्यादा आगे जाती है, ठीक है। तो मेहनत करना इंपॉर्टेंट है समाज में। आज से शायद 40-50 साल पहले स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, अभी भी कुछ सुधार हुआ है, अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है, सुधार की गुंजाइश है। परंतु आप बच्चों के लिए, सभी बच्चे प्लीज, मैडम दो मिनट, सियाराम जी दो मिनट, नहीं आराम से बैठो आप दो मिनट मिनट में। तो आप सभी बच्चों के लिए तो खुला मैदान है, सभी बच्चों के लिए, गर्ल्स को मैं खास तौर से कह रहा हूं कि कई महिला दिवस करना अच्छी बात है, परंतु सबसे उससे भी ज्यादा अच्छी बात है मेहनत, उससे भी ज्यादा जरूरी है आपके अंदर आत्मविश्वास और मेहनत।
तरक्की के लिए सबसे ज्यादा जरूरी आत्मविश्वास है और आपकी मेहनत है। अगर आप बच्चों में आत्मविश्वास है और मेहनत है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आप मेल है, फीमेल है, महिला है, पुरुष है, गर्ल स्टूडेंट है, बॉय स्टूडेंट है, कोई अड़चन नहीं है आपके रास्ते में, कोई अड़चन नहीं है आपके रास्ते में। अड़चन वही है कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है या आपकी मेहनत में कमी है, ठीक है ना। तो ये बातें आप सभी बच्चों को इस महिला दिवस के अवसर पर आपके लिए ऑफिस की तरफ से या हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से संदेश है कि सबसे ज्यादा जरूरी मेहनत है। आप सभी बच्चों ने, किसी ने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है? किसी बच्चे ने अरुणिमा सिन्हा कोई नाम सुना है? ऐसा अरुणिमा सिन्हा किसी बच्चे ने सुना है? कोई बताएगा बच्चा? अरुणिमा सिन्हा किसी बच्चे ने नाम सुना हो? अरुणिमा सिन्हा का सुना है किसी ने नाम? आई होप कि किसी ने तो सुना होगा। अरुणिमा सिन्हा नहीं, मैं बताता हूं दो मिनट के लिए आपको। अरुणिमा सिन्हा लखनऊ में रहती हैं, आज की डेट में भी लखनऊ में रहती है। एंड शी इज 31 ईयर्स ओल्ड 1988 बोर्न है, 32 ईयर्स ओल्ड है वो। वो वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर रही है, ठीक है, वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर रही है। तो 2011 में ट्रेन में जो है चलते हुए किसी ने चेन स्नेचिंग की कोशिश करी, उनकी गोल्ड चेन को किसी ने स्नैच करने की कोशिश की और उस चक्कर में जो है ना उसको उन्होंने ट्रेन से धक्का दे दिया। अरुणिमा सिन्हा को उन चोरों ने, उन डाकुओं ने ट्रेन से धक्का दे दिया 2011 में, और वो रात के अंधेरे में ट्रेन की पटरी पे, साइड वाली पटरी पे गिर गई और इमीडिएट जो है ना एक दूसरी ट्रेन वहां से गुजरी और उसकी एक टांग कट गई, उसकी एक टांग के ऊपर से ट्रेन निकल गई। अगले दिन सुबह जब हुआ उसको होश आया, या उसको फिर किसी ने, उसको तो होश ही नहीं आया, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसको 3-4 दिन बाद होश आया, उसका ट्रीटमेंट हुआ। और आप विश्वास करो 2013 में उसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की, माउंट एवरेस्ट पे, जिस माउंट एवरेस्ट पे ठीक ठाक अच्छी खासी टांगों वाला आदमी हो या औरत हो या लड़का हो या लड़की हो, जिसके लिए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करना किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात है। बट शी क्लाइम्ब्ड माउंट एवरेस्ट जस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, 2013 में उसने जो है ना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की विद एक प्रोस्थेटिक लेग। प्रोस्थेटिक लेग होती है जो स्टील की रोड की लेग बनी होती है, स्टील की रोड से एक टांग उसकी स्टील की रोड की थी, एक टांग उसकी नॉर्मल थी। और पहली महिला बनी वो, विश्व की पहली एम्प्यूटी महिला बोलते हैं उसको भाई, जिसका एक जो है एक टांग नहीं थी उसकी। तो वो कैसे कर पाई, कैसे कर पाई? महिला होने के बावजूद, महिला होने के कारण से नहीं, नो, टांग नहीं थी उसके बावजूद भी केवल एक ही, उसने अपनी जो है ना इच्छा शक्ति, अपना आत्मविश्वास और अपनी मेहनत से माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया। और न केवल माउंट एवरेस्ट को परंतु विश्व की ना 7-8 जो है ना वो है पीक्स, जो माउंट एवरेस्ट तो विश्व में सबसे बड़ी है, इसके अलावा भी अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में ना और भी पीक्स है, लगभग सभी उसने अचीव कर लिए हैं, ठीक है। कभी आप बच्चे जो है ना अरुणिमा सिन्हा के बारे में पढ़ना, और अभी भी वो जस्ट 32 ईयर्स ओल्ड, अभी भी वो लखनऊ में रहती है, ठीक है। तो वो ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसी जो है ना पर्सनैलिटी, उसको देख कर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई, अगर हमारी इच्छा शक्ति है और हम मेहनत करते हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इसलिए ठीक है, महिला होना में थोड़ा सा, थोड़ा बहुत, अब बहुत ज्यादा अंतर नहीं बचा है, थोड़ा बहुत इस तरह से दिवस मनाए जाएंगे, इस तरह से अवेयर किया जाएगा तो वो अंतर भी दूर हो जाएगा, परंतु आप बच्चों के लिए बिल्कुल खुला मैदान है, बशर्ते कि आप मेहनत करें, आत्मविश्वास से भरे रहे और अपने टारगेट के लिए मेहनत करते रहे। थैंक यू।
मेरे बहुत ही आदरणीय सहयोगी साथी खंड शिक्षा अधिकारी, विद्यालय की प्रधानाचार्य, डीओसी कब बुलबुल, स्काउट, विभिन्न विद्यालयों से और इस विद्यालय के मेरे सभी अध्यापक प्राध्यापक साथी और प्यारे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। बहुत वर्षों से हम लोग आज के दिन को मनाते आ रहे हैं और हिंदुस्तान को तो मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान की नारियों के लिए तो बहुत सौभाग्यशाली है इस देश में पैदा होना। और लड़कियों के लिए हमारा यही संदेश है कि वो अपने महत्व को समझें और हर एक कार्य में बढ़ चढ़ करके वो अपना भाग लें, ताकि पूरे के पूरे विश्व में हमारे देश की महिलाओं का जिस प्रकार से खेल में और दूसरे क्षेत्र में भूमिका बन रहा है, इसी प्रकार से हमारी महिलाओं के ऊपर हमारे को गर्व है और बहुत अच्छा योगदान कर रहे हैं।
इंद्री प्रधानाचार्य राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इंद्री से डीओसी सर सियाराम जी, मेरे साथी अध्यापक और प्यारी बच्चियों, मैं आज आपको महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज जिस उद्देश्य से हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बहुत ही गर्व का दिन है आज हमारे लिए, ये खासकर महिला शक्ति के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए, जो आज एक तरफ तो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षक हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जो अपने देश को ऊंचाइयों की ओर ले जा रही हैं, दूसरी ओर देखा जाए तो एक ऐसा वर्ग भी है महिलाओं का जहाँ दबी कुचली स्त्री हम देखते हैं, उस पर अनेक अत्याचार होते हैं। अगर उन चीजों को देखा जाए तो जो ये दिवस मनाए जाते हैं, जो आज हम मना रहे हैं, जब तक वो कामयाबी की धाराओं में शामिल नहीं होंगी, जब तक स्त्री को बराबर नहीं समझा जाएगा, तब तक ऐसे दिवस मनाने का कोई फायदा नहीं है हमारे लिए। जब तक स्त्री अपनी शक्ति को नहीं समझेगी, अपने जो ज्ञान है उसके अंदर वो उसको नहीं समझेगी, तब तक महिला दिवस मनाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए बेटा, मैं आप सभी को अपनी मातृशक्ति को यही कहना चाहूंगी कि अपने आप को इतना शिक्षित बनाओ, इतना सक्षम बनाओ कि कोई भी अत्याचार, कोई भी समस्या हमारे सामने खड़ी ही ना रहे, हम उसका सामना करें। कोई भी काम ऐसा ना हो कि हमारे ये हो कि मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी, मैं करके दिखाऊंगी। चैलेंज है ये हमारे लिए, खासकर मातृशक्ति के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हम देश का 50% हिस्सा हैं, बराबर हैं पुरुष और स्त्री, हमें बराबर बनके दिखाना है, हमें अपने आप को साबित करना है। एक मैं आपको छोटी सी एक सच्ची घटना से अवगत कराती हूँ, पंजाब राज्य की घटना है ये। एक माँ थी, उसकी दो बेटियाँ थी, तीसरी बार वो माँ बनने जा रही थी। उसके पति ने उसे कहा कि अगर तीसरी भी बेटी होती है तो तुम्हारे लिए घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। जैसे ही वो अस्पताल में जाती है अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, तो वहाँ पर उसको एक बेटी होती है, तीसरी बेटी, उसके पास कोई नहीं होता, परिवार का कोई भी सदस्य। 3 दिन बाद उसका स्वयं का भाई आता है और उसको कहता है कि दीदी, अगर आप तीसरी बेटी का निपटारा कर दें तो घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। जीजा जी ने ये संदेश भेजा है। बेचारी औरत मुश्किल में फंस गई कि अपने कोख से जन्मी बेटी को मैं कैसे मार दूं, कैसे मैं उसका गला घोट दूं। फिर सोचा कि जाऊंगी कहां, दोनों तरफ से घिरी हुई वो। रात को जब अंधेरा हुआ, ठंड के दिन थे, उसने अपनी बच्ची को, 3 दिन की बच्ची थी वो, उसको उसने ठंड में बाहर लेटा दिया, उसके कपड़े उतार के और उसको ठंड में लेटा दिया कि ऐसे तो मैं इसको, इसका गला नहीं घोट पाऊंगी, लेकिन हो सकता है 3 दिन की बच्ची है और ठंड से ये
सारी रात नहीं सह पाएगी और ये मर जाएगी। अपने आप खुद चौखट पर बैठ जाती है और इंतजार करती है कि कब ये मरे। इंतजार करते करते वहीं चौखट पर सो जाती है। जब सुबह उठती है तो भागकर खाट की तरफ गई और देखा, यही उम्मीद से गई कि कहां बच्ची सहन कर पाई होगी इस ठंड को, और ये तो मर गई होगी। और मैं जैसे ही खाट के पास जाऊंगी और मां से चिल्लाना शुरू कर दूंगी कि मेरी बेटी तो मर गई। लेकिन जैसे ही वो उस खाट के पास जाती है, बच्ची का शरीर बिल्कुल नीला हुआ पड़ा है, लेकिन फिर भी प्राण है उस बच्ची में। उसको देखकर उसका इतना मन पसीजा कि उसने कहा कि जब मेरी एक तीन दिन की बच्ची पूरी रात मौत से लड़ सकती है, क्या मैं अपने पति से नहीं लड़ सकती। उसने अपनी बच्ची को अपने कलेजे से लगाया और उसने सोचा, अब चाहे पति मुझे अपने घर से निकाले, चाहे जो मर्जी करे, लेकिन मैं अपने बच्चे को मेहनत करूंगी और अपनी बच्चियों को पालूंगी। तो बेटा, मैं आपको भी यही बात कहती हूं कि अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि हम दूसरे के अधीन रहे ना, हम स्वयं पढ़ लिख कर अपने आप को इतना काबिल बना ले कि हमें दूसरों के मुंह की तरफ देखना ही ना पड़े। और अब आप देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे समय बदल रहा है, जो हमारा पुरुष समाज है वो भी हमारा इसमें सहयोग कर रहा है। तो इसलिए बेटा, अब मैं ज्यादा ना बोलते हुए आपको पुनः एक बार महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ हमारी मातृशक्ति को, और दो लाइनों के साथ विराम करती हूँ। उतारो मुझे जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर दिखाऊंगी, औरों से अलग हूँ दिखने में, कुछ अलग करके दिखाऊंगी। चाह नहीं एक अलग नाम की, इसी को महान बनाऊंगी। नारी हूँ मैं इस युग की, नारी की अलग पहचान बनाऊंगी। धन्यवाद। हमारे व्यवहार हम बोलने का आलस्य करते हैं, हम काम करने का आलस्य करते हैं, तो इसलिए हमारे व्यवहार से हमारे मित्र और हमारे शत्रु बन जाते हैं। ठीक है ना? इसी हमारा जो स्काउट गाइड का तीन हमारी मुख्य ड्यूटी है, कौन कौन सी है? नंबर एक है ड्यूटी टू गॉड। कौन सी है? ड्यूटी टू गॉड। गॉड की ड्यूटी क्या होती है? भगवान के प्रति कर्तव्य। क्या है वो? जो प्रकृति ने हमें दिया है, ये पेड़ दिए हैं, पानी दिया है, अनाज दिया ना, सब कुछ दिया ना, उनकी क्या करें हम? सुरक्षा करें।